এগুলো গাড়ি যখন আমাদের দেশে আসে তখন কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, তোমার প্রিয় নায়িকা। তারপরও সেপ্টেম্বর মাসে এতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে। স্বাগতম সবাইকে বিচরেকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিও টাইটেল হচ্ছে টপ 25 সেলিং কার ইন সেপ্টেম্বর 2021 ইন ইন্ডিয়া, 25 হাইয়েস্ট সেলিং কার ইন ইন্ডিয়া 2021। বরাবরের মধ্যে এবারও কিন্তু অনেক বড় একটা টাইটেল দিয়েছে। হ্যাঁ, আর টাইটেলটা দেয় এত বড় করে আসলে খুব সহজে যাতে মানুষ খুঁজে পায়। আর শুধু তাই নয়, আসলে টাইটেলটা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু মিন করে। এখানে যেমন আমরা বুঝতে পারছি যে টাইটেলটা পড়ে যে 25টা হাইয়েস্ট সেলিং কার সেল হয়েছে 2021-এ। আসলে করোনার সময় অনেক বেশি পরিমাণ গাড়ি সেল হচ্ছে, এটাও কিন্তু একটা নিউজ যে বিজনেসের জন্যে। যাই হোক, এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওকে কার 247 থেকে। আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি। মহিনা কাফি উথল পুথল ভরা রাহা অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি কে লিয়ে। মহিনে কি শুরুয়াত মে হি মারুতি সুজুকি নে এলান কর দিয়া থা কি সিতম্বর মে ও আপনে প্রোডাকশন কো 60% তক কম করনে ওয়ালি হ্যায়। और उसके साथ ही महिंद्रा की तरफ से भी अपडेट आई कि वो अपना प्रोडक्शन 7 दिन तक बंद रखेंगी। इसके अलावा इसी महीने में हड़ताल भी थे और ऐसी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर पड़ा है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में। और इस लिस्ट से वो गाड़ियां गायब हो गई हैं जो इस लिस्ट में टॉप 10 में आती थी। तो सितंबर महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की जानकारी देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर में 2588 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्चुअल प्राइस 12,81,000 रुपए से शुरू होती है और 17,66,000 रुपए तक जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर काफी मॉडर्न डे फीचर्स वाली एसयूवीज आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी लगातार बिक रही है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाना है, जिसको कई बार टेस्टिंग में देखा भी जा चुका है। बात करते हैं अगली गाड़ी की। 24th पोजीशन पर रेनो की हैचबैक है क्विड, जिसके सितंबर में 2710 यूनिट बिके हैं। माइलेज क्लेम किया जाता है, एक्सशोरूम प्राइस 4,07,000 रुपए से शुरू होती है और 5,52,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर आई है एमजी की एसयूवी हेक्टर। एमजी हेक्टर के सितंबर में पूरे भारत में 2,722 यूनिट्स बिके हैं। टच ना माने सेंसर इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। मैनुअल सीवीटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में 13.96-17.41 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 13,50,000 रुपए से शुरू होती है और 19,36,000 रुपए तक जाती है। 22 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। ये भी एक हैचबैक है जिसकी 2,793 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन मिल जाता है मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में। 21.532-31.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 3,78,000 रुपए से शुरू होती है और 5,43,000 रुपए तक जाती है। 21st पोजीशन पर आई है टाटा हैरियर के सितंबर में 2,821 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 14.63-16.35 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 14,39,000 रुपए से शुरू होती है और 21,09,000 रुपए तक जाती है। 20th पोजीशन पर आई है ह्यूंडई की ओरा। ये एक सेडान है जिसकी सितंबर में 2,862 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में आती है। 20-28 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 6,00,000 रुपए से एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है और 9,36,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है 19 पोजीशन पर महिंद्रा थार, जिसकी 3,134 यूनिट्स बिके हैं सितंबर में पूरे भारत में।
इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 15.02 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 12,78,000 रुपए से शुरू होती है और 15,00,000 की भर चौसे देख छ। अगली गाड़ी है 18 पोजीशन पर होंडा सिटी। इसके 3,348 यूनिट्स बिके हैं सितंबर में पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। 17.8 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 11,19,000 रुपए से शुरू होकर के 15,14,000 रुपए तक जाती है। 17 पोजीशन पर आई है महिंद्रा XUV 300 जिसकी सितंबर में 3,693 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 17 to 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,46,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है मारुति। गाड़ी जो हमारे 3,748 यूनिट बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.99 to 19.01 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 11,78,000 रुपए तक जाती है। एक्सेल 6 की तरह ही मारुति अर्टिगा भी है। सेम प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आती है, सब कुछ सेम है, बस अर्टिगा में आपको एक CNG का ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है। अगर इस महीने यानी सितंबर में अर्टिगा और एक्सेल 6 के यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये गाड़ी इस महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, क्योंकि अर्टिगा ने टॉप 10 में सेकंड पोजीशन हासिल की है। आगे आप इसको भी देखेंगे। 15 पोजीशन पर आई है हुंडई की हैचबैक i10। हुंडई ग्रैंड i10 नियोस के सितंबर में पूरे भारत के अंदर 4,168 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा इसमें भी CNG का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में आती है। 18.9 to 25 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 5,28,000 रुपए से एक्चुअल प्राइस शुरू होती है और 8,50,000 रुपए तक जाती है। 14 पोजीशन पर आई है किया सोनेट जिसके पूरे भारत में सितंबर में 4,454 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल IMT DCT और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में। 18.2 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,87,000 रुपए शुरू होती है और 13,51,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 13 पोजीशन पर जो की एक MUV है। इस गाड़ी की सितम्बर के महीने में 4,724 यूनिट बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस 17,17,000 रुपए से शुरू होती है और 24,99,000 रुपए। पोजीशन पर आई है टाटा की हैचबैक टियागो जिसके सितंबर में 5,121 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 19.8 to 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 5,00,000 रुपए से शुरू होकर के 7,05,000 रुपए तक जाती है। टाटा ने पंच को भी अनवील कर दिया है भारत में। सभी फीचर्स के साथ सारी जानकारियां सामने आ गई हैं। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20। इसका मुकाबला रहता है अल्ट्रोज से। हालांकि अल्ट्रोज से हमेशा आगे रहती है, लेकिन अल्ट्रोज ने इस बार इसको पीछे कर दिया है। हुंडई i20 के सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर 5,153 यूनिट्स ही बिक पाए हैं। ये गाड़ी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। साथ ही ट्रांसमिशन की भी कई सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, मैनुअल, CVT, IMT, DCT, इतने सारे ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाते हैं। 19.65 to 25.2 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,91,000 रुपए और 11,40,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज जिसकी सितंबर के महीने में 5,772 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी अभी तक कभी भी टॉप 10 में नहीं आ पाई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में आई है। इससे पहले पिछले महीने टॉप 10 में आई थी। अब इसने अपनी जगह इसमें पक्की कर ली है। टाटा अल्ट्रोज आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.05 to 25.11 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 5,84,000 रुपए से शुरू होती है और 9,59,000 रुपए तक जाती है। अभी टाटा पंच को लॉन्च किया जा रहा है, इसके बाद हम आपके लिए टाटा पंच की वीडियो लेकर के आएंगे। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी वैगनर। ये गाड़ी नॉर्मली टॉप 5 में आती है, लेकिन इस बार खिसक करके 9th पर आ गई है। 7,632 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। मिल जाती है और AMT ट्रांसमिशन जाता है। एक्चुअल प्राइस 4,93,000 रुपए से शुरू होकर के 6,45,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको। इसकी 7,844 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर।
जी पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 16.11 टू 30.47 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्चुअल प्राइस 4,30,000 रुपये से शुरू होती है और 5,60,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है सेवंथ पोजीशन पर ह्यूंडई की वेन्यू। ये एक 100 मीटर एसयूवी है जिसकी सितंबर में 7,924 यूनिट्स बिकी हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। ये मैनुअल आईएमटी और डुअल क्लच ट्रांसमिशन में मिल जाती है। इसका माइलेज 17.52 to 23.4 KMPL क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,99,000 रुपये से शुरू होती है और 11,85,000 रुपये तक जाती है। सिक्स पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो के सितंबर के महीने में 8,070 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। 19.56 to 21.96 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस 5,97,000 रुपये से शुरू होती है और 9,32,000 रुपये तक जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है ह्यूंडई की क्रेटा। ह्यूंडई क्रेटा के 8,193 यूनिट्स बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ह्यूंडई क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल सीवीटी ऑटोमेटिक और डुअल क्लच ट्रांसमिशन में। 17 to 21 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस 10,16,000 रुपये से शुरू होकर के 17,87,000 रुपये तक जाती है। फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन जिसकी सितंबर में 9,200। गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 16 to 22.4 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस 7,29,000 रुपये से शुरू होती है और 13,24,000 रुपये तक जाती है। थर्ड पोजीशन पर आ गई है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस के सितंबर में 9,583 यूनिट्स बिके हैं। एक यूनिट में एक कार होती है यानी 9,583 कार्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल आईएमटी ऑटोमेटिक सीवीटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में। 16.1 to 20.86 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस 9,95,000 रुपये से शुरू होती है और 18,10,000 रुपये तक जाती है। अभी पिछले महीने ही इसका एक्स लाइन वेरियंट लॉन्च किया गया है। दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये एक एमयूवी सेगमेंट की गाड़ी है जिसकी 11,308 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.99 to 26.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 7,96,000 रुपये से शुरू होकर के 10,69,000 रुपये तक जाती है। और नंबर वन पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो। इसकी 12,143 यूनिट के अंदर। ऑल्टो के 12,143 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 22.05 to 31.59 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 3,15,000 रुपये प्राइस शुरू होती है और 4,82,000 रुपए तक। আমার গাড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু অল্টো গাড়িটা অনেক পছন্দ, মানে ছোটখাটো গাড়ি এবং হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে এবং ছোট ফ্যামিলি নিয়ে যে কোনো সময় মুভমেন্ট করা যাবে। অনেকটা বাইক ফ্যামিলি বলতে কি তুমি আমি যাব, হ্যাঁ পিছনে ব্যাগ থাকবে না। আর যেটা হচ্ছে যে কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে দেখেছো যে সেপ্টেম্বর মাসে এই সময়টায়? কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গাড়িগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, আর একটার থেকে আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বীও কিন্তু এরকম। টাকার ভেরিয়েশন বলো আর হচ্ছে যে কোয়ালিটি, আমার কাছে মনে হচ্ছে দুটাই মানে খুব কাছাকাছি, কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, হয়তো ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক বেশি প্রতিযোগিতা হয়েছে। আর 2021 এসে কিন্তু গাড়ির যে সেলিং শুরু থেকে সেটা কিন্তু মোটামুটি কম ছিল, যে কারণে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে এসে মারুতি সুজুকি এবং হচ্ছে মাহিন্দা তারা কিন্তু তাদের প্রোডাকশন কমিয়ে ফেলেছিল। তারপরও সেপ্টেম্বর মাসে এতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, আমার কাছে মনে হয় এটা একটা পজিটিভ দিক। আর মানুষ এখন কিন্তু করোনা থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু আবারও শুরু হয়েছে আস্তে করে। যদি আর কোনো অঘটন না ঘটে আমাদের সঙ্গে তাহলে হয়তো বা ভবিষ্যতে বিজনেসগুলো কন্টিনিউ হবে এবং ভালোভাবে আবার ঘুরে দাঁড়াবে, কারণ যে সময়টা পার হয়ে আসছে এই সময়টা আসলে সবার জন্যই খারাপ হয়েছে, সবার ক্রুশিয়াল মোমেন্ট ছিল আমাদের। তো সেক্ষেত্রে বলবো যে তারা যে যেটা দেখালো যে এটা একটা পজিটিভ দিক, হয়তো এখন আরও ব্যবসাটা ভালো হবে। আর যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হলো সব মিলিয়ে প্রায় 1.5 লাখের উপরে, অলমোস্ট 2 লাখের কাছাকাছি গাড়ি এক মাসে যদি বিক্রি হয় তাহলে পুরো বছরে দেখো কী পরিমাণ গাড়ি বিক্রি হবে আর কি। যদিও এটা সেপ্টেম্বর মাসে, তার মানে হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বর, এখন নভেম্বর মাস রানিং, সেপ্টেম্বরের যে রিপোর্ট সেটা তো অক্টোবরে পাওয়া গেল অ্যান্ড দেন ভিডিওটা রিলিজ হয়েছে, তার মানে হচ্ছে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা হচ্ছে পরের ভিডিওটা পেয়ে যাব যেখানে আমরা হচ্ছে যে
অক্টোবর মাসের সেলিং জানতে পারবো, এবং তখন মনে হয় দেখা যাবে যে গাড়ির যে সেলিং এর সংখ্যা সেটা হয়তো বা 2-3 লাখেও চলে যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে মানুষজন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে সবকিছু মিলিয়ে। না আসলে তাই, আর হচ্ছে এখানে উনি যেটা করেছে যে টপ 25 সেলিং কার, মানে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি যেগুলো বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে, তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গাড়িগুলো উনি এখানে তুলে ধরেছে, যে সবচেয়ে 25টা গাড়ি যে গাড়িগুলো মানুষ কিনেছে ইন্ডিয়ার মানুষ, সেই গাড়িগুলোকে নিয়ে উনি কিন্তু ডিসক্রিপশন দিয়েছে আর কি টোটাল। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে পৃথিবী ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এবং আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এবং দাঁড়াচ্ছে। আমরা চাই খুব দ্রুতই পৃথিবীটা আগের অবস্থায় চলে আসুক এবং সবাই আমরা এই সেম ভাবে মুভমেন্ট করতে পারবো, যে কোনো জায়গায় যেতে পারবো, এবং এরকম গাড়ি ক্রয় করার ক্ষমতা সবার কাছে আসবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা। তো আশা করি আজকের আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটা আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।